दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति पर आपको ये पांच काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति पर एक और जहां पर दान पुण्य की महिमा बताई गई है, वहीं इस दिन कुछ काम करने पर भी रोक है। तो इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से वो काम नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी ज़रूर दबाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2018 को आ रहा है और इस बार ये त्यौहार दो दिन मनाया जाएगा। 14 जनवरी की दोपहर 1:47 पर सूर्यदेव का प्रवेश मकर राशि में होगा और इसके बाद 15 जनवरी को संक्रांति सुबह 5:11 तक रहेगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आते हैं और इसके बाद खर मास समाप्त हो जाता है। बता दें कि खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इनके खत्म होते ही तमाम शुभ काम का योग शुरू हो जाता है। वहीं शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन के को देवताओं की रात कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह मानी जाती है और मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है और कहते हैं कि इस मौके पर किया गया दान 100 गुना होकर वापस फलीभूत होता है। मकर संक्रांति के दिन घी, तिल, कम्बल, खिचड़ी दान का खास महत्व है। हालांकि इस दिन राशि के अनुसार दान करने की महिमा बताई गई है। दरअसल संक्रांति में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का हर राशि पर अलग अलग प्रभाव होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। और दोस्तों इस दिन सुबह सुबह यानी पुण्य काल में दांत मांजने या बाल धोने से बचना चाहिए, फसल नहीं काटना चाहिए और ना ही गाय या भैंस का दूध निकालने जैसा काम करना चाहिए। इस पुण्य कार्य के दौरान किसी से भी कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए और साथ ही इस दौरान आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी वृक्ष को नहीं काटें और मांस और शराब के सेवन से भी इस दिन बचना चाहिए और खिचड़ी या सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए। हम आपको बता दें कि सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं और एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति के बीच के समय ही सौर मास हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली अथवा एक दूसरे से मिलना ही संक्रांति होती है। कुल 12 सूर्य संक्रांति हैं, लेकिन इसमें मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति प्रमुख होती है। सूर्यदेव जब धनु राशि से मकर राशि पर पहुँचते तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति व्रत करना चाहिए, तिल को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए, अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थान या पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करना चाहिए। मकर संक्रांति पर अपने पितरों का ध्यान और उन्हें तर्पण जरूर देना चाहिए और इस दिन भगवान सूर्य देव का स्मरण करना चाहिए और गायत्री मंत्र के अलावा सूर्य देव के मंत्र से भी पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, इसे फटाफट लाइक कर दें, शेयर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।